हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अप्रैल के लिए। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, सो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और ये उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है या फिर जिनको कोई क्लैरिटी नहीं है कि उनका रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। चलिए उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि उनके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है। आखिर करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर कैंसर। फूल, लव, एट ऑफ अर्थ, पेज ऑफ वाटर। ओके, सो लव का कार्ड है। सर्टनली आपके जो पर्सन है वो सारा वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, उनके थॉट्स में आप हैं। और कहीं ना कहीं ये लवली फीलिंग आप दोनों के ही अंदर है। जैसा आप फील कर रहे हैं, जैसा आप उनके लिए इंटेंस इमोशन यानी आपके जो इमोशंस हैं बहुत स्ट्रांग हैं, सेम वैसे ही आपके पार्टनर के भी इमोशंस आपके लिए हैं। आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, ये इमोशंस बहुत डीप हैं और ये पर्सन आपके साथ के लिए तरस रहे हैं इस वक्त। क्योंकि लव के कार्ड के साथ सर्टनली आपके बीच में लव है, अफेक्शन है, आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप एक फ्यूचर चाहते हैं। मगर फिर यहाँ पे पेज ऑफ वाटर है, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। इन चीजों को स्मूथली ले जाना आगे ये इतना आसान नहीं होगा आपके लिए अप्रैल में, क्योंकि उनके हिसाब से पास्ट में भी बहुत सारे इश्यूज होते रहे। आप जिस भी रिलेशनशिप में है, हो सकता है कि उनमें पास्ट में भी बहुत सारे इश्यूज होते रहे हो, या ये इश्यू ही बार बार आपके रस्ते में आता रहा हो एंड हमेशा उनके लिए इसको फेस करना बहुत मुश्किल रहा है। और फिर से वही सिचुएशन आ गई है और वहां से इनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसे समय में फंस गए हैं जहां इनको पता नहीं है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। ये पर्सन थोड़ा इनसिक्योर है, ये पर्सन थोड़ा घबराया हुआ है एंड उन्हें पता नहीं कि इन चैलेंजेस को फेस करने का कोई मतलब भी है या नहीं। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये अंदाजा नहीं है कि आप भी उससे इतने ही अट्रैक्टेड है जितना कि वो आपसे। यहाँ कार्ड है फूल का। फूल के कार्ड के साथ आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन कोई ऐसी हरकत करेगा जो आपने सोची नहीं थी। और यहाँ पे मैं नेगेटिवली इस बात को नहीं कह रही हूँ, यहाँ पॉजिटिवली मैं इस बात को कह रही हूँ। आपके लिए कुछ सरप्राइजेस हो सकते हैं एंड ये सरप्राइजेस ऐसे हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। हो सकता है कि ये पर्सन अचानक से आपको कॉन्टेक्ट करे, आपके पास चला आए, या किसी तरीके का कुछ उनके बॉडी लैंग्वेज में आप ऐसा देख सकते हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कुछ चेंज आपकी तरफ। क्योंकि ये पर्सन ये जानना चाहता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या अभी भी आप उनके बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ एट ऑफ अर्थ का कार्ड है। आई थिंक उनकी करंट फीलिंग्स सिर्फ लव अफेयर के मामले में ही नहीं है इस वक्त, क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ है। इस पर्सन के लिए कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, इस पर्सन के लिए कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस भी हो सकते हैं। और ये पर्सन कंटिन्यूअसली सोच रहा है कि ये अपने आप को स्टेबल कैसे करे। मेरे ख्याल से इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए जो स्टेबिलिटी चाहिए, जो फाइनेंसेस चाहिए, या जो आपको इंडिपेंडेंसी चाहिए यानी कि आपको अपने ऊपर होना पड़ेगा पूरी आजादी के लिए, उस चीज के लिए पर्सन परेशान है। वो इनके लिए एक चैलेंजिंग टास्क बन गया है। ओके, सो आपका ये पर्सन एक तरीके से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। उनके ऊपर काम का फोर्स हो सकता है एंड उनके ऊपर ये इमोशन जो है बहुत भारी हो रहे हैं
इतने भारी कि अब वो ये इमोशंस छुपा नहीं सकते, और फूल के कार्ड के साथ आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आपको लगता नहीं था कि ये पर्सन कभी करेगा। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं आपके लिए मैसेजेस। हैंग्ड मैन, सिक्स ऑफ अर्थ, एक्सक्यूज मी, किंग ऑफ वॉटर, एंड सिक्स ऑफ वॉटर। ओके, हैंग्ड मैन का कार्ड है द कैंसर, तो हैंग्ड मैन के कार्ड के साथ आप फ्यूचर को देख रहे हैं। आप स्मार्ट हैं, आप वाइज हैं, ओके, और इस पर्सन को पुरानी बातें याद आ रही हैं, क्योंकि सिक्स ऑफ वॉटर यहां पे है। डेफिनेटली ये पर्सन पुरानी चीजों को याद कर रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि इनके अंदर बहुत चेंजेस आ गए हैं। ये पर्सन सोच रहा है कि क्या इस रिलेशनशिप को एक और ट्राई देना चाहिए, क्या चीजों को बदला जा सकता है, और गहराई में क्या है। कहीं ना कहीं आपके अंदर की फीलिंग्स को यह जानना चाहता है। सिक्स ऑफ वॉटर के साथ कैंसर, आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं जो काफी लंबे समय से चला आ रहा हो, सिक्स ईयर्स और समथिंग, और हो सकता है आप में से कुछ के लिए ये चाइल्डहुड लव भी हो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन, इसे ऐसा लगता है कि आप उनके रिफ्लेक्शन हैं, आप एक दूसरे से इतने कंपैटिबल हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि जो वो फील कर रहे हैं वही आप भी फील कर रहे हैं, पर उनको भरोसा नहीं है और ये पर्सन हेल्पलेस फील कर रहा है। इन्हें लगता है कि इन्हें आपकी मदद की जरूरत है। सिक्स ऑफ अर्थ के साथ इन्हें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, इन्हें आपकी मदद की जरूरत है। और किंग ऑफ वाटर के साथ इस पर्सन को पता है कि आप कहीं ना कहीं एक स्टेबल पर्सन हैं, आप होशियार हैं, आप समझदार हैं और जानते हैं कि किस तरह से इस पर्सन को मैं क्या बोलूं, इस पर्सन को कैसे हैंडल करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है जब से आप उनके लाइफ से गए हैं, उनकी लाइफ बिल्कुल केओस में पड़ गई है, या उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे जैसे कि आप उन्हें हर चीज में गाइड करते रहे हो या आपके आइडियाज उन्हें हमेशा इंस्पायर करते रहे हो। अगर आप गाइड नहीं भी कर रहे थे, अगर आप उनको एडवाइसेस नहीं भी दे रहे थे, फिर भी आप उनके लिए इंस्पायरिंग थे। कहीं ना कहीं उन्हें आपसे प्रेरणा मिलती थी। और किंग ऑफ वॉटर के साथ यहां पे वो उसी चीज को मिस कर रहे हैं, उसी वक्त को मिस कर रहे हैं। और हैंग्ड मैन के साथ उन्हें उम्मीद है कि आप उन्हें पॉजिटिव रिस्पांस देंगे उनकी हरकतों का, क्योंकि द फूल के कार्ड के साथ वो कुछ करके ट्राई कर सकते हैं कि आप रिस्पांस दे रहे हैं कि नहीं। सिक्स ऑफ अर्थ के साथ इस पर्सन को आपकी मदद की जरूरत है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए मैसेजेस क्या हैं उनकी तरफ से। मैसेजेस फॉर योर पार्टनर, यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन। ओके, जैसा कि मैंने कहा कि इन्हें आपकी जरूरत है, इन्हें लगता है कि आप इन्हें इंस्पायर करते थे, आप इन्हें पॉजिटिव गाइडेंस देते थे, तो इन्हें लगता है कि आप उन्हें पॉजिटिव बना रहे थे। आपके जाने के बाद उनके अंदर नेगेटिविटी है, उनके अंदर डिप्रेशन है, और उन्हें जैसा कि मैंने कहा आपकी मदद की जरूरत है। चलिए और मैसेजेस देखते हैं। यू आर क्रेजी एंड डॉर्की, तो इन्हें आपका फन साइड भी पसंद है, ये मिस कर रहे हैं वो पुरानी बातें, क्योंकि सिक्स ऑफ वॉटर के साथ मैंने कहा कि काफी कुछ उन्हें पुराना याद आ रहा है, अच्छी मेमोरीज, तो कहीं ना कहीं ये बिताया हुआ अच्छा समय मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा ट्रबल में हो,
इनके पास सिर्फ स्ट्रेस है इस वक्त, चाहे वो लव लाइफ का हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ का हो। यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस, तो इन्हें लगता है कि आप उनको सपोर्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि उनके पास कुछ करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें सपोर्ट करते थे, आप उन्हें इंस्पिरेशन देते थे, आप उनके लिए एक पिलर की तरह है जो उन्हें स्ट्रांग बनाए रखे हुए है, और आपके नहीं होने से उन्हें कहीं ना कहीं वीक फील हो रहा है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, करेंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की, एंड आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।